back to the new vlog. Breakfast is done. अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे हॉस्टल, मेरे रूम देखेंगे. मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा I'll be a dad, मेरा बच्चा होगा एक. तब मैं खुद ही बच्चा था जब मैं कॉलेज में था. Benefits of traveling with a छोटू बेबी. इनका इतना इतना सामान. ये सामान क्या है? सिर्फ बोतल इसका स्टरिलाइज करने का. जल्दी करो. करो करो करो. क्या? तू मोटा. साले तेरी काम कर रहा हूँ, तुम मोटा मोटा कर रहे. So guys, मैं हूँ अभी आजाद हॉल में. दिस वॉज माई हॉल, माई हॉस्टल, एंड आई हैव स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स हेयर. यहाँ पे हम लोग साइकिल रखते थे, मोस्टली बाहर खड़ी करते थे, बाहर लेकिन बाहर मना करते थे कि अंदर ही करो, बट फोर्थ ईयर में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो. अशोक का है ये, हमारा साइकिल का सारा देख रखाव करते थे और सारी साइकिल की, भाई किसकी साइकिल कहाँ, अगर घूम जाना साइकिल चलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाय, कैसे हैं आप? आई एम गौरव, तभी से राजा टीम का हॉल प्रेसिडेंट. हाय, इसको भी हाय कर लो, हाय कर लो, हाय कर लो. हाय रिशो. तो ये हमारी पूरी पहले मैच हुआ करती थी यार. ये मेरे टाइम का है, बताइए. मेरे पास वीडियो भी है इसका, इसमें करते हुए. आई विल शेयर. मारता था एंड अभी तक यहाँ पे आपने डाला था, फिटनेस टीम में डाला था ना, डाला था ना. यस सर, यस माय मोटिवेशन. 3 साल पहले देखा सर. यस यस यस, हाई फाइव. फर्स्ट ईयर में देखा सर. सैम डी दादा कैसे हो? तो ये हम लोग जब लैब करके आते थे तो 5 रुपए की मैं और गोगरे मेरा दोस्त था दाल लेते थे. दाल अभी 5 रुपए की 50 की कर दी. नहीं, 5 का है अभी, 5 का है. यहाँ पे वो खाता चलता था हमारा, दूध में वो डाल के देते थे फ्लेवर है, उसको शेक करके. वो भी है अभी भी. एक बार दादा की दुकान दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे आते थे और दादा ये देना वो देना. 12 साल हो गया, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ. राइट, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे. ये सामने पड़ता था पूरा. हाँ, तो हमारे टाइम पे हम लोग यहाँ पे भी क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे और जहाँ पे फेंस पे बार बार लग गई ना वो दीवार फांद के हम निकल जाते थे कभी कभी, जब इलू होती थी ना वहाँ से निकल जाना. तो रितु ये मेरा रूम था जब मैं आया था यहाँ पे सेकंड ईयर में. अच्छा, अलमारी अभी भी रूम की. देखो ये देखो. So literally तो ये वो अलमारी. So ये मेरा रूम था. ये जो ऐसा ये चीज ये पीछे इन्होंने रूम हटा के कॉरिडोर. ये रूम था पापा, मेरा टेबल था ऐसा था, यहाँ पे वो था. शुरू में आए थे तो इस छोटे से रूम में दो लोग आउट हो गए. फिर उसको चेंज करवाया कि भाई दो के लिए तो ये बहुत छोटा रूम है. ये रूम था मेरा यार, दिस वाज माय रूम. यहाँ पे बैठता और नीचे उसके ट्रंक. अच्छा, बैठ यहाँ था और इसके नीचे वो ट्रंक बैठा. माय रूम इज गिविंग वे टू सो मेनी स्टूडेंट्स. सो ये जो रूम था ये सेकेंड ईयर में रूम था और थर्ड और फोर्थ ईयर में रूम मेरा चेंज हो गया था क्योंकि तब हम सीनियर हो गए थे. ये रूम था मेरा 216 D216. कैसे हो? बढ़िया. क्या नाम है आपका? हार्दिक. कहना है गो एंड सी योर रूम. श्योर. अरे बहुत बना दिया यार. हाँ, अभी ये रेनोवेट हो गया ये वाले विंग्स. ओह, तो ये नीचे फ्लोर और सीमेंट की थी हमारे. अरे यार तुम लोग तो 5 स्टार में रह रहे हो. ये मेरा रूम था उस समय, ऐसे ये नहीं थी वुडन की. हाँ, सब ये सीमेंट के थे और नीचे भी सीमेंट का था. ये सीमेंट का था. एक टेबल था यहाँ पे और एक बड़ी वाली कुर्सी थी यहाँ पे. सेम बेड था
और यहाँ पे मेरा वे प्रोटीन का डब्बा रखा रहता था। तो रूम पे वो मशीन थी अंडे वाली, अंडे उबालता था मैं और बाहर छील के खाता था मैं। यहाँ बैठ के वो यहाँ कौए हुए आते हैं बीबी नहीं हम गेम खेलते थे तो वो एक अंडे का येलो छील के ना मैं से हवा में फेंकता था वहाँ से उससे मैं कौवा उड़ता था तो हवा में कैच करता था वो अरे हमारे वो पालतू कौवे थे वो भी ग्रेजुएट हो गया वो कहीं वो किसी IT फर्म में है सिलिकॉन वैली में वो कहा रहे हैं अभी। तो हमारे ये पूरी फोर्थ ईयर विंग थी अभी भी फोड़ देंगे। अरे ये कुर्सी थी मेरे रूम पे यार ये वाली ये मैसेज चुराई थी हमने मैस वाली है ना ये यहाँ पे घोघरे और पॉलसन पॉल रहते थे तो मैं उनके रूम पे रहता था क्योंकि घोघरे मेरा डिपार्टमेंट सेम टाइम साथ में रहते थे। ये मेरे बगल वाला रूम था भोले का अनूप गोयल। फोर्थ ईयर में मैंने वो नहीं खरीदा कभी भी टूथपेस्ट मैं सुबह उठता था यहाँ से बोले टूथपेस्ट दियो पूरा टूथपेस्ट उसका यूज कैसे हुई ना मैंने। और ये वाला बाबा का रूम था हिमांशु का जिसके आगे थे हम लोग न्यूयॉर्क में। सीविंग में लाइक 80 टाइप के लोग रहते थे हम लोग उनसे एग्जाम में पढ़ने आते थे जब हमें सिंपल समझना हो। नहली वाले लोग और इंटेलिजेंट वो मतलब ऐसा ही कल्चर चला रहा है कि जिनको पढ़ना होता है वो सीविंग में जाते हैं और जिनको खेलना होता है पीछे वाले रहते हैं। बहुत ज्यादा फाइट होती है जाने के लिए। अच्छा तो ये चीज नहीं बनी है ये मेरे टाइम पे नहीं थी। तो हमारे यहाँ टेबल पे था ऐसा कि बड़े बड़े बोल्स में दाल चावल रहता था मेन सब्जियाँ वहाँ से लो दाल चावल आपके टेबल पे। मैं अभी हूँ आज़ाद हॉल की मेस में। ये नई मेस है हमारे टाइम में पुरानी मेस हुआ करती थी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए बट दीज गाइज आर सो स्वीट कि हम लोग को भी निकलना था बट देन दे सेड कि आप आए तो चाय पी के जाओ और इतना स्पेशल ट्रीटमेंट काजू निकलवाए भाई लोगों ने। थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच। अच्छा एक काजू थैंक यू सो मच। अच्छा एक काजू उसमें डालते हो ना बिरयानी वाले का। अरे सर कैसे हैं आप? तो हमारे टाइम पे भी थे। थैंक यू सो मच गाइस। आजाद का टेम्पो हाय है। आजाद का टेम्पो हाय है। आजाद का टेम्पो हाय है। आजाद आजाद चलो बाय 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 रशु बाय। हर हॉल की एक एक ऐसे खासियत है। ये पटेल हॉल है ना ये क्रिकेट में मास्टर थे क्रिकेट में हमेशा जीतते थे। नेहरू हॉल था वो सोशल कल्चरल डांस वांस में हमेशा वो जीतते थे। आज़ाद था हमेशा वेट लिफ्टिंग हम लोग जीतते थे हमेशा। हाँ ये यहाँ में पड़ता था। दिस इज माई डिपार्टमेंट हमारा मेन डिपार्टमेंट था। ये मेन बिल्डिंग है सिविल की और सामने हमारी लैब थी। ये बहुत कम इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे क्रायोजेनिक साइंस डेवलप हुई है। सो क्रायोजेनिक इंजन्स होते जो रॉकेट में रखते हैं जिनको कि इंडिया ने खुद ही बनाया था। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे सारी रिसर्च होती है। सो लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टडी क्रायोजेनिक इंजन्स यहीं पर आते हैं इंडिया से यहीं पर आते पढ़ने बेस्ट सब देती है। बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और हमारे भाई जो बिल्कुल हमारी तरह ही ऐसे रहते थे वो बगल में सिविल के बगल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड दिस इज आवर लैब और वहाँ हम लोग पीछे साइकिल खड़ी करते थे। इतना अच्छा सा लगता है कि ये सोचते हो कि ये ऐसे यहाँ आते होंगे पढ़ते होंगे साइकिल चलाते होंगे। पापा कहते हैं छोटा सा था इसकी मूंछ मूंछ नहीं निकली और क्या। हम लोग साइकिल खड़ी करते थे। ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्किंग स्पॉट था और यहाँ पे खड़े होके हम लोग ने पापा कितने असाइनमेंट कॉपी किए हैं कि भाई पहले आ गए अरे अंदर कॉपी चेक हो रही है लाओ लाओ ये इसको कितनी हंसी आ रही है देखो। यहाँ पे हम लोगों ने असाइनमेंट कॉपी किए थे फिर यहाँ पे उधारी हो गई किसी की उधार नहीं दे रहा कोई लड़ाई हो गई फिर 100 रुपये लिए थे कब देगा वापस सारी बातें यहाँ होती थी हमारी। तो दिस इज आवर डिपार्टमेंट बंद है यहाँ से यूजली हमारी एंट्रेंस यूज करते थे। हाँ ये बता रही है इसको पता पूरा क्या है यहाँ पे पूरा यहाँ पे था पूरा यहाँ पे पूरा पूरा
पूरा यहाँ से पूरा उठा के ना यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे कह रही है तुमने कहा ना पूरा इसने बताया ना पूरा यहाँ से आए थे आपके एक बार आपके टीचर से साइकिल में पूछने के लिए कि भाई क्या है कभी पता चले गंदा कोई नशा बचे में बच्चा ना हो पता चले मतलब इसकी साइकिल लेके डी राय से मिलने आया था सो डी राय वॉज माई फैकल्टी एडवाइजर तो पापा एक बार मैं ऐसे ऊपर ब्रश कर रहा हूँ पापा हॉस्टल में आ गए तो बिना बताए आ गए मम्मी कह रहे थे ना कि जाओ देख के आओ अरे खड़ी हुई है चलो चलो बेटा चलो चलो रजिस रनिंग टू गेट एडमिशन इनटू आईटी इट्स टाइम टू लीव आईटी खड़गपुर वन मोर टाइम लास्ट टाइम आई लेफ्ट इन 2008 नाउ आई एम लीविंग इन 2020 तब छोड़ा था और अब छोड़ा कैसा डिफरेंस है फीलिंग्स तब बहुत अलग फीलिंग था बहुत अलग फीलिंग है तब सब लोग तब सब दोस्त जा रहे थे तब हॉस्टल खाली हो रहा था रशु से बाय टू एवरीवन बाय 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 रशु देख अपने आप कोशिश कर रही है बाप रे बाप रे बाय रितु मैम बाय बाय ये लो मुझे लगता है कि मतलब यू क्राई फ्रॉम इनसाइड व्हेन यू लीव बट इस फ्रेंडशिप होती है ना आपकी यू बिल्ड इन कॉलेज और ऑल्सो मतलब मेरे कॉलेज से बाहर निकलने के बाद ना जब मैं यूएस गया अप्लाइंग करने डायरेक्ट तो बहुत धक्का लगा लाइफ में कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि तब आपको पता लगा कि लोग चलाक होते हैं आपका फायदा उठाते हैं बट कॉलेज में ऐसा होता ही नहीं है लाइक जैसे सारे लोग आते हैं ना छोटे घर से आते हैं पढ़ के पता पर कॉलेज में हर किसी का एटीएम पिन पता होता है ये ले पिन दे देते हैं एटीएम दे देते हैं निकाल लाइए इतना भरोसा होता है लोगों पे इतना भरोसा निकाल लाना कर लेना सब पता होता है और कुछ ऐसा नहीं shine for like everything might turn out just all right I know I'm lying to myself pardon my wishful thinking still